ये रास्ता सीधे बागेश्वर के मुख्य बाज़ार की तरफ भी जाता है, लेकिन हम इस गेट के बाहर जाके सीधे यू टर्न ले लेंगे जो कि हम सरयू के घाट पे पहुंच जाएंगे। ये हम घाट पे आ चुके हैं और सामने हम उसी ब्रिज को देख रहे हैं जहाँ से हम घाट को देख रहे थे। ये जो नदी के उस पार मकान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एक बागेश्वर की काफ़ी बड़ी आबादी वाली कॉलोनी रहती है और नदी के उस पार रामलीला मैदान भी है जहाँ हर साल रामलीला होती है और दशहरा दिवाली के मौके पर काफ़ी बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। ये जो सामने एक और ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये सीधा रामलीला मैदान को जाता है। अब मैं सीढ़ियों पर जाके कुछ देर अपने पैरों को पानी में भिगो के रखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले एक मुनासिब जगह का इंतखाब करना ज़रूरी है। पूरी जगह का मायना कर लेते हैं, फिर कोई सही जगह देखकर वहीं तशरीफ़ रख लेते हैं। चलो खैर, जगह तो मिल चुकी है, ये जगह यहाँ बैठने के लिए बहुत मुनासिब है। आखिर अब वक्त आ ही गया है पानी में पैर डालकर बैठने का। बहुत ठंडा पानी है और बहुत सुकून की जगह है। सरयू का ये पानी आगे जाके गोमती नदी के पानी से मिल जाता है। वास्तव में बागेश्वर सरयू और गोमती दो नदियों का संगम ही है। दोस्तों, मैंने तो इस जगह को काफ़ी एंजॉय किया। आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।